पश्चिमी देशों के शासकों ने अपने साम्राज्यों के विस्तार के साथ साथ ऐसे विद्वत वर्ग को प्रोत्साहन देने की सोचा जो नए नए विषयों में खोज कर सकें और अपने अपने उपनिवेशों से प्राप्त ज्ञान के भंडार को उस दिशा में मोड़ सकें और उससे प्राप्त ज्ञान संपदा को अपने अपने देशों व उपनिवेशों में प्रयोग करके प्रगति मार्ग पर और भी द्रुत गति से बढ़ सकें। नई नई खोजों से साम्राज्यवादियों का हौसला और भी बुलंद हो चला और वे इस दिशा में अपनी उपलब्धियों को और ठोस आधार देने में जुट गए। यहाँ इस संबंध में ये बात जान लेना आवश्यक है कि उस समय प्राचीन भारतीय विद्या अर्थात इंडोलॉजी के क्षेत्र में कुछ विद्वान कार्य में संलग्न थे, जिनमें मुख्य थे विलियम जोन्स 1746 से 1794, H.T. कोलब्रुक जो कोलकाता में 1782 में पहुँचे थे, क्रिश्चियन लासन जिन्होंने प्राचीन भारतीय विद्या पर अपना ग्रंथ जर्मन भाषा में 1847 में प्रकाशित किया आदि उनमें से मुख्य थे, प्रिंसेप 1799 से 1843 और कनिंगम जैसे अन्वेषकों और पुरातत्वविदों द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की खोज ने इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के उदीयमान विद्वानों में इस दिशा में अत्यधिक रुचि पैदा कर दी। उनमें से कुछ तो प्रारंभिक दौर में अपने पश्चिमी आकाओं की सेवा के बहाने इस क्षेत्र में शोध व अनुसंधान की दिशा में उतरे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस दौर में भारत के विद्वत वर्ग पर पश्चिम की उदीयमान सामाजिक व्यवस्था का एक सुखदायी और शुभदायक प्रभाव भी पड़ता नजर आया। इसने प्राचीन भारतीय विद्या के क्षेत्र का दरवाज़ा खोल दिया और इस प्रकार भारतीयों में एक नई रोशनी डाल दी। भारत की प्राचीन शास्त्र संपदा को उद्घाटित करना, उसे विश्व जनमानस के सामने अतिरंजित रूप में पेश करना उस युग का फैशन बन गया। इसी बीच 20वीं सदी की पहली 25वीं में सर आशुतोष मुखर्जी के कुलपतित्व काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली विभाग अस्तित्व में आया और उसके साथ ही बौद्ध विद्या के क्षेत्र में शोध व पठन पाठन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। शांति निकेतन में तान युन शाह के नेतृत्व में चीन भवन की स्थापना और विकास बौद्ध विद्या के क्षेत्र में वरदान साबित हुए। प्रायः इसी समय पटना में काशी प्रसाद जायसवाल, जिनको राष्ट्रीय विचारों के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद से हटा दिया गया था, प्राचीन भारतीय विद्या के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दर्जनों युवा विद्वानों को शोध व अनुसंधान की दिशा में प्रशिक्षण देकर दे रहे थे। कितने ही उदीयमान विद्वानों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर वे प्राचीन भारतीय विद्या इंडोलॉजी को निरंतर पुष्ट कर रहे थे। भदंत आनंद कौशल्यायन, जिनका व्यक्तित्व बौद्ध जागरण व शोधपूर्ण लेखन कार्य का मूर्त रूप था, भिक्खु जगदीश काश्यप जो बाद में नव नालंदा महाविहार जिसका प्रारंभिक नाम नालंदा पाली इंस्टीट्यूट था के संस्थापक निदेशक के उच्च पद पर आसीन हुए आदि विद्वान इसी युग की उपज थे, जिनको अनेकों विद्वानों के सानिध्य में बैठकर काम करने और प्रशिक्षण ग्रहण करने का अवसर मिला। किंतु केदारनाथ पांडे उर्फ स्वामी रामोदार सांकृत्यायन उर्फ राहुल सांकृत्यायन उन सब में निराले थे, जिन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया और लोगों को चकाचौंध कर दिया। उच्च कोट के भाषाविद, पुराविद, बौद्ध विद्याविद आदि के साथ ही साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपने जमाने के युवा नेताओं की अगली पंक्ति में थे। जनता के दुखों, उनके बहुविध शोषण, उनकी हृदय विदारक विपन्नता के प्रति अत्यंत संवेदनशील राहुल जी उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर मैदान में कूद पड़े। किसान मजदूर आंदोलन में उनकी भागीदारी अगली कतार वाली थी। अब प्रश्न उठता है कि राहुल जी उस मुकाम पर कैसे पहुँचे। ये विषय बड़ा लंबा और व्यापक है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर उस मुकाम तक पहुंचने तक की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इस विषय में इस अवसर पर ज़्यादा विवरण प्रस्तुत करना संभवतः विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान लेखक का मुख्य विषय
महापंडित राहुल सांकृत्यान के जीवन के उस पक्ष को उद्घाटित करना है जो पाली, संकर, संस्कृत, प्राकृत और बौद्ध शास्त्र के उन्नयन में लगा हुआ था। पाली साहित्य का इतिहास और संस्कृत काव्यधारा, इसमें महापंडित राहुल सांकृत्यान की बौद्ध साहित्य संबंधी, ये पाली साहित्य का इतिहास उनकी अंतिम रचना है। इसको उन्होंने 1961 में श्रीलंका में लिखा था और जो 1963 में हिंदी समेत लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इसी ग्रंथ के आधार पर पाली भाषा और साहित्य विषय पर राहुल जी के मतों का उल्लेख और उनका समालोचन यहाँ सबसे पहले अभीष्ट है। इस ग्रंथ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन में काल विभाजन, भाषाओं का जो काल विभाजन, भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन जो किया है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसको 5 भागों में विभाजित माना है कालक्रम की दृष्टि से। पहला वैदिक काल, जो उनके अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इसमें उन्होंने संहिताओं को लिया है और बाद में उसके बीच का 1000 से 600 वर्ष के बीच का समय उन्होंने, उसके बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए, मुख्य उपनिषद, प्रामाणिक उपनिषद, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। कि आज दुनिया में जो बहुत तरह के दार्शनिक चिंतन हो रहे हैं उन पर हम अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी दें और स्वयं सोचें, और इस सिलसिले में उन्होंने हमें सुझाव, हमें ये अनुरोध किया था कि मैं जाक दरिदा और फुकोयामा वगैरह के बारे में कुछ लिखूं। तो मैंने उनको एक पत्र में जवाब दिया कि देखिए, जाक दरिदा और फुकोयामा पर फ्रांस से लेकर अमेरिका तक और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारी आसन्न चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भगवर्षण उपाध्याय, डॉक्टर भारत सिंह भारद्वाज व उपाध्याय वगैरह जो काम किए हैं और जिन्हें आज की जो नई आने वाली पीढ़ियां हैं सिर्फ सुनकर जिनसे वाकिफ हैं और जो चीज़ें सहज सुलभ भी अब नहीं रह रही हो, जो हमारे वर्तमान को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम उन पर क्यों ना ध्यान केंद्रित करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जो राहुल जी ने काम किए हैं, राहुल जी ने जिस तरह से आजमगढ़ के पुरातत्व को खोजा, जिस तरह से उन्होंने अपने कनैला गांव का इतिहास वो किया, आज कोई भी अपने गांव से जुड़ा व्यक्ति शहर दिल्ली आकर या कहीं और रहकर वो उन सरोकारों से लगभग कट गया है। ज़रूरी यह है कि हम उन सरोकारों से फिर से जुड़ें। और दूसरी चीज़ यह है कि जो आज की चुनौतियां हैं उनको उसी फॉर्मेट में हम उसी ढांचे में समझ सकते हैं और उनके विकल्प भी सोच सकते हैं। हमें जाक दरिदा या फुकोयामा उनके विकल्प नहीं दे सकते, बल्कि और हमें उलझाएंगे वो। उनके पूरे महापंडित व्यक्तित्व पर जो चर्चाएं अभी हुई और आगे भी होती रहेंगी और पहले भी हुई हैं, तो मैं ये देख रहा था कि इस सब का पहला श्रेय किसे जाता है। राहुल जी को महापंडित बनाने में किसकी सबसे पहले भूमिका मैं याद करने लगा तो उन्हीं की आत्मकथा से, जो तीसरे दर्जे की उर्दू की किताब में नवाजिंदा बाजिंदा का शेर, सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, और उससे जो उन्हें अपने गांव से भागने और उस भागने का उत्प्रेरक जो घी की हड़िया गिर जाने से जो मिला, शायद महापंडित बनाने की भूमिका इन दो चीज़ों की मुख्य तौर पर रही। और वहीं से निकलकर
वो पहले सनातन धर्म और सनातन धर्म से बैरागी और फिर मठ और फिर आर्य समाज और आर्य समाज से बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म और दर्शन और साम्यवाद तक जाती है। तो शायद वो सैर करने अगर न निकले होते न तो तत्व न तो घमक्कड़ शास्त्र लिखा जा सकता और ना यह सारे जो जो प्राच्य उसका वो है वो हो पाता। तो ये चीज़ मुझे लगा है कि ये बात एक ऐसी है जिसका कि जिसकी तरफ ध्यान मैं दिला सकता हूँ। दूसरी चीज़ एक ये है कि राहुल जी के महाव्यक्तित्व को लेकर जब मैं सोच रहा था तो मुझे एक वो जो दीघ निकाय के का लक्षण सूत्र में एक महात्मा बुद्ध जो महापुरुषों के दो वो बताते हैं कि दो कोटियां महापुरुषों की होती हैं। एक कोटि में तो वो आते हैं जो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, सात रत्न उनके पास होते हैं और ये सब होते हैं, और दूसरी श्रेणी वो होती है जो घर से बेघर होकर प्रव्रजित होते हैं और वो संबोधि संबुद्ध कहलाते हैं, संबोधि को प्राप्त करते हैं। तो राहुल जी उन्हीं महापुरुषों की उस तरह के महापुरुष दूसरी श्रेणी के महापुरुष थे और उससे वो सचमुच संबोधि संबुद्ध हुए और उन्होंने एक ऐसा हिंदी में नवजागरण किया जो प्राच्य भाषाओं का नवजागरण था, पाली का पाली भाषा का, जिसके की नवजागरण की शुरुआत या पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में बंगाल से शुरू हुई थी, उसको हिंदी में लाने का काम मैं समझता हूँ राहुल जी उसके पायनियर हैं। और वो उनके बाद भदंत आनंद जी वगैरह ने जो आगे बढ़ाया, अब आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर बढ़ रहा है तो क्या कारण है कि जातक अधूरा पड़ा है। जातक जितने छः खंड या आठ खंड जो छपे थे हिंदी सम्मेलन साहित्य सम्मेलन से उसके आगे नहीं बढ़ा हिंदी में। तो एक तो ये है कि राहुल जी के उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सके आज के मुश्किल समय में, यह भी एक देखने की बात है। तीसरी बात, राहुल जी की अपनी एक आत्मकथा के पहले खंड में उन्होंने एक मध्यम निकाय का एक बुद्ध का एक वो उपदेश कोट किया है कि बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं बेड़े की तरह तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, सिर पर ढोने के लिए नहीं, पार। तो राहुल जी ने जितना काम किया उसमें वो कोई चीज़ सिर पर ढोकर, सिर पर ढोने वाली चीज़ हर चीज़ में को उन्होंने द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखा, हर चीज़ में उन्होंने कार्य कारण देखे और जहाँ उनकी असहमतियाँ रहीं उन असहमतियों को कोट किया और अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ने की कोशिश की। आज यह चीज़ गायब हो रही है, द्वंद, और शायद यह द्वंद जो था उनका वो उन्हें वही उन्हें मार्क्सवाद की तरफ ले गया होगा और वो उसने पुष्ट किया होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे जो मार्क्सवाद के सोचने वाले हैं वहाँ भी वो द्वंद कम दिखाई देता है जो जहाँ तक राहुल जी उसे ले गए थे। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो पहले ही मैंने कि एक आदमी पाली अपभ्रंश संस्कृत और सिंहली तक जाता है और दूसरी तरफ वो कोरवी का को भी खोजने की कोशिश करता है, पुनर्प्रतिष्ठित करने की कोशिश करता है, मेरठ की एक बूढ़ी औरत से कहानियाँ सुनता है, आदि हिंदी की आदि कहानियाँ और गीतें लिपिबद्ध करके लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, अपने गांव का पुरातात्विक इतिहास खोजता है जो शायद अब तक छपा नहीं है। तो ये सारे सरोकार कहां से कहां तक ले जाते हैं। एक चीज़ के लिए वो पांच
चार बार पांच बार लंका की श्रीलंका की यात्रा करते हैं, वहाँ अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव तक पांच पांच बार चार चार बार तिब्बत में रहते हैं। उनकी तिब्बत यात्रा जो पढ़ता हूँ तो एक रोमांच होता है बिल्कुल। वो यानी कि जिस पिस्तौल लेकर के भी चलना होता है वो ग्रंथों की पोथियों की वो करने पड़ता, वो करने के लिए। ये है एक जासूसी उपन्यास का भी दिलचस्प विषय उसमें वहाँ है। तो कितनी कितने तरह के सरोकार और कहाँ तक वो अपने को जोड़ते हैं। अब यह काम बड़ा सहज है। मैं सहज शब्द आप श्रेष्ठ हूँ, मैं सहज शब्द से, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जितने कई महान लोगों को जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ उनमें सहज शब्द रिकर करता है। सहजन चले जगत के स्वामी वो सहज विलंबित मंथर गति, सहज सहज पगधर आओ उतर, धूप में जगरूप सुंदर सहज सुंदर। मुझे मौका मिले तो मैं काफी इसको बताऊं। सहज सहज सभी कहें सहज न समझे को हुए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ये कहने में बड़ा आसान लगता है। अभी मैं मुरली बाबू को नज़ीर बनारसी का एक शेर सुना रहा था। नज़ीर बनारसी को पता नहीं क्या हुआ, तुलसीदास पर लिखने के लिए कुछ आ गया, तो उन्होंने रुबाई लिखी कि तुलसी पर लिखने का आया जो ख्याल, कुछ देर तक ख्यालों को पसीना आया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये काम बड़ा सहज लग रहा है, बड़ा आसान लगता है कि काम है, लेकिन अब देखिए क्या किया है राहुल जी ने। अपभ्रंश की शब्द सराहपा में लिखा जो अपभ्रंश लगता है, बम महराई माँ जालंती हु भेव, अपभ्रंश है। राहुल जी ने इसके सामने रखा, ब्राह्मण ही ना जानता भेद, कोई शब्द अलग नहीं है, केवल उन्हीं शब्द का एक दूसरा रूप है। और भाषा समझ में आ गई, ब्राह्मण मा जानते उभे ब्राह्मण ना जानता भेद, एवं पढ़िए ये चौबे यही पढ़े ये चारों भेद। और यह एवं शब्द ऐसा है कि भैया चाहे जो थोड़ा समय आपको अपने गांव की भाषा में सुनाऊंगा। हमारे गांव में एवं शब्द चलता है। नया अस्पताल खुला था, बलबल पंडित हम लोग कहते थे, गए वो अस्पताल डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर ने पूछा कैसे आए, कहा एवं आ गया हूँ। बोले हुआ क्या है, बोले कपार पिलाता है। उन्होंने कहा कि कपार पिलाता है, बोला दवाई दीजिए। डॉक्टर ने कहा जाइए, दवाई भी एवं है, एवं यों ही बेमतलब का, एवं पढ़िए चारों बे, कज्जे बिरहे हुआ हों में, कार्य रहित हुतवा हों में, अख डहावे कड़ुए धुए, आंख डहावे कड़ुए धुए। ये राहुल ने काम किया। हिंदी काव्य धारा आदर्श शब्दकोश है, इतिहास है, भाषा विज्ञान है और राजनीति की पुस्तक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है, एकदम से सब पुस्तक है। अब सराहपा को अपनाने से हिंदी साहित्य को समझने उझने में क्या बातें आई सामने, स्वतंत्र विषय है। ये समझने का मौका मिला कि हिंदी ने संस्कृत से लिया भी बहुत है, लेकिन सिर्फ लिया ही नहीं है, दिया भी ज़्यादा है, दिया भी है। सराहपा हिंदी के पहले कवि हैं जिनके यहाँ गे पद और दोहा चौपाई मिलती है, गे पद की एक संरचना होती है। सराहपा ने पहले गे पद लिखा है, राग रागनीबद्ध होती है, गे पद की प्रथम पंक्ति टेक होती है, म्यूजिक में ही टेक नहीं, टेक का मतलब जिसको छोड़ा नहीं जाता, जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुपावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पिन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुपावे। और जो बाज की पंक्तियाँ होती हैं वो आर्गुमेंट्स होती हैं, दलील होती हैं,
तर्क होती हैं कि मेरे मनानत क्यों नहीं सुख पाता, और अंत में जो कवि है वो मोहर लगाता है कि यह मेरा अनुभव है, मैं दूसरे का कहा हुआ नहीं कह रहा हूँ। मीरा के प्रति दीर्घ सागर सराय खड़े कवि दास हैं, ये एक अर्थसंरचना होती है गेय पद की, जिसके प्रवर्तक सराहपा है। दोहा चौपाई, जो कबीर आपको तुलसीदास के यहाँ जायसी के यहाँ घत्ता भेजक छंद चौपाइयों के बाद दोहा से काटना, इसके प्रवर्तक सराहपा हैं। और भी कई बातें हैं, उन्होंने सूत्र दिए और सूत्र का जो उदाहरण प्रस्तुत किया उस उदाहरण में पूरे दोहे दे दिए। जैसे जब भ्रंश पर आए तो लिखा स्वराम स्वरो प्रायो भ्रंशे, अपभ्रंश में स्वर के स्थान पर स्वर होता है, ये सूत्र है स्वराम स्वरो प्रायो भ्रंशे। अब उदाहरण देने लगे तो बड़ी आसानी से उदाहरण दे सकते थे कि संस्कृत की पुत्री का पू में ऊ है, बिट्टी में ई हो जाता है, बस काम चल जाता, लेकिन इतने से काम नहीं चलाया। उन्होंने पूरा दोहा लिखा, बिट्टी ये भाई भणी तुर माकुरु बंकी दुठ पुत्री सकलनी भल्ल जीव मारे यही पैठ। ये भी थोड़ा लीक से हटा हुआ दोहा है, इसलिए अर्थ बताने में संकोच कर रहा हूँ। तो इससे लेकिन एक बड़ी ऐतिहासिक महत्व की बात हो गई, अपभ्रंश साहित्य जो जिसका कोई जिसके बारे में लगभग सब विस्मित हो चुके थे। अपभ्रंश शब्द केवल शब्द के अर्थ में चलता था, विचलित और भ्रष्ट के अर्थ में चलता था, पता चला कि एक साहित्य है अपभ्रंश भाषा का। ये पिशल ने जर्मन में किताब जो प्राकृत व्याकरण का संपादन उसने किया उसमें बताया, फिर कुछ दिन के बाद उसने एक अपभ्रंश के सामग्री लेकर के एक अलग से पुस्तक संपादित की। संस्कृत पाली और प्राकृत जितनी एक दूसरे के नज़दीक हैं, अपभ्रंश उतनी नहीं है। निश्चय ही पाली प्राकृत संस्कृत से भिन्न भाषाएं हैं, किंतु शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, इसीलिए पाली और प्राकृत को संस्कृत रूप देने में बहुत थोड़े श्रम की ज़रूरत होती है, उसी ढांचे में संस्कृत रूप तैयार हो जाता है। और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया, उसका ढांचा ही बदल गया, उसने नए सुबंतों तिगंतों की सृष्टि की। सुबंत शब्द रूप, तिगंत क्रिया रूप, ऐसी सृष्टि की है जिससे वो हिंदी से अभिन्न हो गई है और संस्कृत पाली प्राकृत से भिन्न। राहुल जी की स्थापना ये है कि जो अपभ्रंश है वो संस्कृत प्राकृत पाली से भिन्न है, हिंदी से लगभग अभिन्न है। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश ने नए सुबंतों और नए तिगंतों की सृष्टि की है, क्योंकि संस्कृत का जो वैयाकरणिक ढांचा है वो ढांचा अपभ्रंश का नहीं है, वो ढांचा हिंदी से मिलता जुलता है। इसका उन्होंने इसका एक प्रमाण ये दिया, इसके बाद उन्होंने कहा कि यही वजह है कि यद्यपि अपभ्रंश एक समय पूरे देश की लगभग काव्य भाषा थी तमिलनाडु को छोड़ करके, लेकिन अब हिंदी प्रदेश को छोड़कर गुजरात और थोड़ा बहुत बिहार को छोड़ करके दक्षिण भारत में कोई अपभ्रंश का नाम तक नहीं लेता, जबकि संस्कृत अभी उसी रूप में मौजूद है। ये कैसे हुआ, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? राहुल जी ने लिखा कि लोग जितनी मात्रा में, देखिए जो प्रगतिशील चिंतक होता है, प्रगतिशील लेखक होता है, जब वो भाषा पर काम करता है तो उस भाषा के काम में ही उसकी प्रगतिशीलता होती है। राहुल संकृत्यायम भारत का गौरव है, एशिया का गौरव है और संसार का गौरव है। ऐसे कालजयी पुरुषों का कर्म और सृजन सदैव मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।